अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ईवीएस के ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है। आज हम ईवीएस में चैप्टर नंबर 7 का बुक वर्क करने जा रहे हैं। सभी बच्चे अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 37 पर है बी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ब्लैंक्स दिए गए हैं, आपको इन्हें फिल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ अ प्लेस वेयर वी कैन कीप अवर बिलोंगिंग्स, फील कम्फर्टेबल एंड लिव विद अवर फैमिली मेम्बर्स। आपको उस जगह का नाम बताना है जहाँ आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कंफर्टेबली रहते हैं, है ना, आराम से सुकून से रहते हैं। और वो जगह क्या है? हाउस, HOUSE, हाउस। नेक्स्ट है सेकंड, मोस्ट हाउसेज हैड रूम्स बिल्ड अराउंड अ सेंट्रल कोर्टयार्ड कॉल्ड द डैश। कई सारे ऐसे घर होते हैं जिसमें बीच में कोर्टयार्ड होता है, यानी आंगन छूटा हुआ होता है बड़ा सा, जिसमें बच्चे खेलते हैं या जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो चेयर बिछाकर आपस में बात भी करते हैं, धूप लेते हैं, हवा खाते हैं, बारिश का मज़ा लेते हैं। तो ऐसे घरों को क्या कहा जाता है? हवेलीज कहा जाता है, HAVELIS, हवेलीज। नेक्स्ट है थर्ड, मैनी हाउसेज इन द विलेज वर डैश हर्ट्स। तो इसमें आएगा थैश्ड हर्ट्स, THATCHED, थैश्ड हर्ट्स, यानी गांव में जो कई सारे घर होते हैं वो किससे? झोपड़ियों से बने हुए होते हैं, जो लकड़ी की हेल्प से या फिर या मिट्टी की हेल्प से बनाए जाते हैं। ए डैश हैज़ मैनी रूम्स, लॉन्स, गैराज एक्सेट्रा। यहाँ किसकी बात हो रही है? बंगलों की। बंगलों के अंदर क्या क्या होते हैं? रूम्स होते हैं, लॉन्स भी होती है, लॉन्स होती है और गैराज भी होती है। नेक्स्ट है फिफ्थ, डैश आर टेम्प्रेरी सेटलमेंट्स ऑफ पुअर पीपल्स। यहाँ किसकी बात हो रही है? स्लम्स की। जो मलिन बस्तियाँ होती हैं वो टेम्प्रेरी सेटलमेंट्स होती हैं, किसकी? पुअर पीपल्स की, जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए। नेक्स्ट है सिक्स्थ, डैश हैव मैनी फ्लोर्स एंड ईच फ्लोर हैज़ अ नंबर ऑफ हाउसेज। यहाँ किसकी बात हो रही है? मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स की बात हो रही है, जिसमें कई सारे फ्लोर्स होते हैं और हर फ्लोर पर रूम्स होते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन सी पार्ट, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट पढ़नी है, जो स्टेटमेंट सही है उसके सामने टी लिखना है और जो स्टेटमेंट गलत है उसके सामने एफ लिखना है। फर्स्ट है, द स्ट्रक्चर ऑफ ए हाउस हैज बीन चेंजिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी हाउस का जो स्ट्रक्चर है वो टाइम के साथ साथ चेंज होता जाता है। तो ये एक ऐसी स्टेटमेंट है, सही है ये स्टेटमेंट, तो इसलिए टी लिखेंगे। नेक्स्ट है सेकेंड, इन ओल्डन डेज द हाउसेज वर कॉम्प्लेक्स एंड स्मॉल। यानी जो पुराने टाइम में जो घर होते थे क्या वो घर छोटे और जटिल हुआ करते थे, कॉम्प्लेक्स। तो ये स्टेटमेंट कैसी है? फॉल्स, एफ। जो पुराने टाइम में घर होते थे वो बहुत बड़े बड़े होते थे, हवेलियाँ होती थी और बहुत ही सिंपल घर होते थे, कॉम्प्लेक्स नहीं होते थे, सिंपल हाउसेज होते थे। नेक्स्ट है थर्ड, द किचन वाज जनरली अवे फ्रॉम द लिविंग रूम सो दैट स्मोक डिड नॉट एंटर द रूम। और वो जो हवेलीज होती थी उनमें जो किचन होते थे वो आमतौर पर जो कमरे होते थे उनसे काफ़ी दूरी पर होते थे, जिसकी वजह से जो स्मोक होता था यानी जो धुआं होता था वो रूम्स में एंटर नहीं करता था। ये स्टेटमेंट कैसी है? सही है, ट्रू। आजकल घर छोटे होते हैं तो किचन में अगर किचन में आप कुछ भी बनाओ तो वो पूरे घर में धुआं धुआं हो जाता है ना, तो चिमनी की हेल्प लेनी पड़ती है या एग्जॉस्ट फैन की हेल्प लेनी पड़ती है, पहले ऐसा नहीं होता था। फोर्थ है, टुडे वी फाइंड मैनी विलेजेस विथ बेटर एंड स्ट्रॉन्गर हाउसेज। आज के टाइम में कई सारे ऐसे गांव हैं जहां पर पहले से कई ज़्यादा बेहतर और मजबूत घर हैं। ये स्टेटमेंट कैसी है? सही है, तो इसलिए टी लिखेंगे। नेक्स्ट है फिफ्थ, द स्टोरेज ऑफ स्पेस हैज रिजल्टेड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरी शॉर्ट हाउसेज। सॉरी, द शॉर्टेज ऑफ स्पेस हैज़ रिजल्टेड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरी शॉर्ट हाउसेज। यानी स्पेस की कमी की वजह से जो घर हैं वो बहुत छोटे छोटे बनने लगे हैं आजकल। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? सही है, टी लिखेंगे।
सी पार्ट भी आपका हो गया, आप करेंगे डी पार्ट। डी पार्ट में आपको नीचे ये डायग्राम्स दिए गए हैं, यानी फिगर दी गई है आपको इन्हें देखकर, और नीचे इनके नाम लिखने हैं। नेम द काइंड ऑफ हाउस शोन इन द पिक्चर बिलो। आपको घर पता लगाने हैं और इनके नाम लिखने हैं। ये फर्स्ट क्या है, ये सिंगल फ्लोर आपको दिख रहा है ना, तो ये है हवेली। क्या है? हवेली। सेकंड, यहाँ देखिए कितने सारे फ्लोर दिख रहे हैं आपको, तो ये किसका है, ये पिक्चर किसकी है, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की। किसकी है? मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है ये। अब ये है नेक्स्ट, यहाँ देखिए बाहर आपको लॉन दिख रहा है, और ये देखिए इतना चौड़ा सा यहाँ से गाड़ियों के जाने का भी रास्ता दिख रहा है ना, तो ये क्या है, ये है बंगलो। इसी के साथ चैप्टर नंबर 7 का बुक वर्क भी आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कॉपी वर्क करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।